हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स को समझाने से पहले मैं आपको इसकी थियोरेटिकल पार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक ब्रिज। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चार रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं, पी क्यू आर एस, एंड इस अरेंजमेंट को स्पेशली यूज करा जाता है टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हमारी आर रेजिस्टेंस है वो है अननोन, एंड मैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको ब्रिज अरेंजमेंट में इन चारों रेजिस्टेंस को लगा दिया है। बीच में गैल्वेनोमीटर है विद अ की, एंड यहाँ पर हमने इसको दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। तो इस अरेंजमेंट में पी अपॉन क्यू रेशियो आर्म इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो दोस्तों, ये होती है बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जिसमें R हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो उसका हमारा फॉर्मूला बनता है S इंटू रेशियो आर्म ऑफ P अपॉन Q। तो अब हम आते हैं अपने अपरेटस पे। तो ये है ओम लैब्स का व्हीटस्टोन ब्रिज अपरेटस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको दिया है एक गैल्वेनोमीटर। जो ये नॉब है ये वर्क करती है P अपॉन Q की रेशियो के लिए। ये जो चार नॉब्स है ये कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं S रेजिस्टेंस को। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पर 1000 ओम सेट करना है तो मैं यहाँ पर नॉब को 1 पे कर दूंगा, तो 1 × 1000 ओम। अगर मेरे को इसमें 200 ओम और ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इसको ले जाऊंगा, इस नॉब को 2 पर ले जाऊंगा, तो 2 × 100 ओम। तो ये टोटल बन जाता है 2200 ओम। बाय डिफॉल्ट आपको इसको, इन सब नॉब्स को शुरू में जीरो पर ही रखना है। तो ये जो हमारे X1 और X2 टर्मिनल है, इसमें हम अपना अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पर दिए गए आपको कीज, तो जैसे B के लिए बैटरी के लिए जो की दी गई है वो ये है, एंड गैल्वेनोमीटर के लिए आपको ये की दी गई है। ध्यान रखना है कि जब भी आपको दोनों को कीज को प्रेस करना है तो पहले आपको बैटरी वाली की प्रेस करनी है एंड फिर आपको गैल्वेनोमीटर वाली की प्रेस करनी है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो ऑप्शंस फॉर गैल्वेनोमीटर, या तो आप डायरेक्ट करंट देना चाहते हैं या फिर आप शंटेड करंट देना चाहते हैं। इनिशियली आपको इसको हमेशा शंटेड पे रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर सेट करेंगे एंड कितना करंट पास होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो अगर इसमें से बहुत ज्यादा करंट पास करेगा तो इस गैल्वेनोमीटर को डैमेज हो सकता है, इसलिए हम इसको इनिशियली शंटेड पे रखते हैं। बट जैसे ही हमें अपने रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, हमने रिजल्ट के नियर आने लगते हैं, तब आप इसको डायरेक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये है इस अपरेटस का ऑन और ऑफ स्विच। तो अब मैं इस डिवाइस को ऑन कर लेता हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इस अपरेटस को यहां से ऑन कर लिया है, एंड यहां पर मैंने अपने रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर लिया है, एंड मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। ये है हमारे यहां पर अननोन रेजिस्टेंस या फिर आर रेजिस्टेंस। तो अब हम यहां पर पहले तो अपने रेशियो को सेट कर लेंगे। ये है हमारा P अपॉन Q का रेशियो। तो मैं यहां पर P अपॉन Q के रेशियो को सेट कर लेता हूं 1। अब मैंने ऐसा क्यों करा, हम चलते हैं इस फॉर्मूला पर। तो जैसे हमें R रेजिस्टेंस निकालना था तो उसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू S इंटू P अपॉन Q। तो अगर मैं P अपॉन Q के रेशियो को 1 रख लूंगा देन R इज इक्वल टू S। तो जो भी हम S यहां पर सेट करेंगे वही वैल्यू होगी हमारी अननोन रेजिस्टेंस की। तो मैंने यहां पर P और Q के रेशियो को सेट कर लिया है 1, एंड आपको इस गैल्वेनोमीटर को इनिशियली शंटेड पे रखना है। एंड अब हम धीरे धीरे वेरी करना शुरू करते हैं अपने S रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले मैं इसको 1 मूव कर लेता हूं। मैंने इसको यहां पर 1000 ओम सेट कर लिया है, एंड अब मैं चेक करता हूं कि गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग शो करता है। तो सबसे पहले आपको बैटरी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको गैल्वेनोमीटर। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग ये काफी दूर दिखा रहा है। हमें यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन चाहिए कि गैल्वेनोमीटर एकदम जीरो रीडिंग शो करे। अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, अब मैं इसको 2000 ओम कर देता हूं, एंड हम फिर चेक करते हैं। अभी भी इसने नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। तो अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये काफी नियर है नल डिफ्लेक्शन के, बट अभी भी इसने प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं कराया। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने रिजल्ट के काफी नियर आ चुके हैं, तो अब मैं इसको ले जाता हूं डायरेक्ट पर, एंड अब मैं ट्राई करता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट पे लाया करंट बहुत ही ज्यादा पास हुआ तो ये वापस दूर चला गया। तो अब मैं इसको दोबारा शंटेड पे कर देता हूं। अब हम इसको ले जाते हैं 4000 ओम पर, एंड अब मैं इसको क्लिक करता हूं। तो जैसे देख सकते हैं अभी भी इसने ये बहुत ही क्लोज है नल डिफ्लेक्शन के। तो मैं करता क्या हूं कि 4000 ओम पे हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया नल डिफ्लेक्शन, बट प्रॉपरली नहीं करी। तो अब मैं यहां से थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस और बढ़ाता हूं। तो अब मैं इसको सेट कर देता हूं 2 पर। अभी भी हल्का सा ये मूव करा है,
तो अब मैं इसको डायरेक्ट पे वापस से शिफ्ट कर देता हूँ। एंड हम फिर से रीडिंग देखते हैं, ये फिर से दूर चला गया। तो अब मैं करता क्या हूं, मैं इसको यहीं से वेरी करता रहता हूं। अब जैसा देख सकते हैं कि मैंने इसको 4000 प्लस 500 4500 ओम पर सेट कर दिया है। अब हम इसकी रीडिंग फिर से चेक करते हैं, अभी भी हल्का सा ये मूव करा है, तो मैं इसको थोड़ा और मूव कर लेता हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी गैल्वेनोमीटर एकदम नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहां पर हमारी एस की वैल्यू क्या बनती है, 4 × 1000 विच इज 4000 ओम प्लस 7 × 100 विच इज 700। तो टोटल हमारी जो एस की वैल्यू है वो बनती है 4700 ओम। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस सेट करी है विच इज आर, इसकी वैल्यू है 4700 ओम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर जो पी अपॉन क्यू था वो 1 था एंड यहाँ पर जो हमने एस की वैल्यू सेट करी थी वो थी 4700। तो आर भी हमारा इक्वल आ जाता है 4700 ओम के। नाउ टू चेक कि हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो सही आया है कि नहीं, मैं इस रेजिस्टेंस को लगाऊंगा मल्टीमीटर पे एंड हम वहां से चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहां पर मैं इस मल्टीमीटर को ले आया हूं, मैं इस रेजिस्टेंस को यहां पर इन दोनों क्लिप से कनेक्ट कर देता हूं एंड अब मैं यहां से इस मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूं। एंड जैसे यहां पर ये ओम पे सेट है एंड आप देख सकते हैं यहां पर क्या वैल्यू दिखा रहा है, 4.69 किलो ओम विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4700 ओम और वेरी इक्वल टू 4700 ओम। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू है 4700 ओम। एंड आप इस अपरेटस में कोई भी वैल्यू का अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अननोन रेजिस्टेंस को यहां पर लगाना चाहता हूं देन आपको देखना है कि गैल्वेनोमीटर पे ये क्या रीडिंग शो करता है। अगर ये पॉजिटिव साइड जाता है तो आपको उसके हिसाब से यहां पर पी और क्यू की रेशियो सेट करनी है, अगर ये नेगेटिव साइड पे जाता है तो उसके हिसाब से आपको यहां पर पी और क्यू की रेशियो सेट करनी पड़ेगी, तभी आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो ओम लैब्स के व्हीटस्टोन ब्रिज अपरेटस के बारे में। अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी ईमेल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।